डैंड्रफ की समस्या भी लोगों को होती है, और खासकर भी सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है तो इसमें भी डैंड्रफ की समस्या लोगों को परेशान होती है, तो डैंड्रफ क्यों ज़्यादा बढ़ रहे हैं और अभी के समय में लोग क्या कर सकते हैं? डैंड्रफ बेसिकली हमारी स्किन जो झड़ती है, सारे शरीर की झड़ती है, वैसे स्कैल्प से भी झड़ती है। डैंड्रफ बहुत सारे जगहों पे ज़्यादा कॉमनली होता है, सीज़न चेंज के साथ विंटर के सीज़न में लोगों को ये समस्या सबसे ज़्यादा होती है। हमारे बालों के साथ ऑयल ग्लैंड्स रहती हैं, वो ऑयल सिक्रीट करती है जिसके वजह से हेयर की कंडीशनिंग और स्किन की कंडीशनिंग होती है, सॉफ्ट रहती है। कभी कभी वो ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करती है, उसके ऊपर फंगस जमा हो जाता है, इसकी वजह से डैंड्रफ की समस्या पैदा होती है। स्कैल्प, कानों का पिछला हिस्सा, नाक के बगल वाला हिस्सा, हमारी आईब्रो, आईलैश, कभी कभी बियर्ड में, अंडर आर्म्स में, ग्रॉइंस में, ये सारे जो एरियाज़ है यहाँ पे डैंड्रफ कॉमनली होता है। तो ये हर किसी की थोड़ी सी जेनेटिक टेंडेंसी रहती है, इसका आपने इलाज करवा लेना चाहिए। और मार्केट में बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू आते हैं, बट मेडिकेटेड शैम्पू अगर आप प्रेफर करेंगे, आप डॉक्टर से सलाह लेंगे उसका कैसे उपयोग करना है, इस्तेमाल करना है, तो आप उसको बेहतर तरीके से हम ट्रीट करें। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती है जैसे हार्मोन के वजह से भी डैंड्रफ ज़्यादा होता है, तो हार्मोन्स है, ऑयल ग्लैंड्स है, इसको हम निकाल नहीं सकते, तो कम ज़्यादा बीमारियाँ होती रहती है, हम इसे कंट्रोल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं बालों का झड़ना और डैंड्रफ को लेकर, तो बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं शैम्पू को लेकर। अगर बात करें तो बहुत सारे शैम्पू ऐसे हैं जो दावा तो करते हैं कि आप यूज़ करेंगे तो डैंड्रफ चला जाएगा और बाल का ग्रोथ भी होगा, बाल झड़ेंगे भी कम, तो फ़ायदा लोगों तो को होता नहीं है, लेकिन तो उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, डैंड्रफ को मैंने बताया, वैसे हम जड़ से नहीं ख़त्म कर सकते, वो कम ज़्यादा होता है, कंट्रोल में रहता है, फिर से सीज़न चेंज होते हैं, शरीर में बदलाव होते हैं हार्मोन से लेके, या फंगस, ऑयल ग्लैंड ज़्यादा काम करने लगती है, तब ये समस्या बार बार हो सकती है। तो इसीलिए जब हमें समस्या ज़्यादा है तब हमने डॉक्टर के पास जाके सही इलाज करना चाहिए, सही पीरियड के लिए इलाज करना चाहिए, तभी आपको असर हो सकता है। बाकी बालों का झड़ना, जैसे मैंने बताया कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, खाना पीना आपका या जो भी स्वस्थ जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें, उस पर ध्यान देना चाहिए। शैम्पू जो है वो हर किसी के स्किन का टाइप और बालों का टाइप अलग अलग होता है, किसी के बाल ज़्यादा ऑयली रहते हैं, किसी के बाल ज़्यादा सूखे रहते हैं, तो हमने उस हिसाब से शैम्पू को चुनना चाहिए। शैम्पू एक तरीके का ज़रिया है आपके बालों को क्लीन करने का, हफ्ते में कम से कम 2 बार महिलाओं ने शैम्पू करना चाहिए। आदमी जो है जिनको अगर ज़्यादा पसीना आता है या बाल छोटे हैं और रोज़ शैम्पू कर सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। अगर आपके बाल ज़्यादा ड्राई लगते हैं तो आपने थोड़ा सा ऑयलिंग करना चाहिए बाल धोने से पहले, या अगर डैंड्रफ नहीं है तो, मगर अगर डैंड्रफ है तो ऑयलिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ऑयल आपके शरीर में पहले से ही पैदा हो रहा है ज़्यादा, और अगर आप ऑयलिंग करके रखेंगे तो ज़्यादा परेशानी होती है। तो अगर बाल ज़्यादा सूखे लग रहे हैं तो कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आपको लगता है मार्केट के प्रोडक्ट्स से आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स आते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो स्किन में कोई भी चीज़ जो है एक इंसान को सूट करती है वो दूसरे इंसान को नहीं सूट करती, मगर हमारे ऊपर सोशल मीडिया या बोले मार्केटिंग का इतना ज़्यादा प्रभाव होता है कि वो चीज़ें जो हमें बताते हैं हमें बहुत अपीलिंग लगती है, हम बाय करते हैं और कभी कभी हमें प्रोडक्ट सूट नहीं करता। तो अगर ऐसी समस्या होती है या किसी चीज़ से एलर्जी होती है तो आपने ज़रूर डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए।